हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। और मेरे साथ है बलविंदर जी, जो कि हैं ब्रेजा के ओनर, और आपको बताएंगे इस गाड़ी का एक्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। सो बलविंदर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। वेलकम सर। और तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये गाड़ी जो है कौन सा वेरियंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? सर, ये मेरा बेस मॉडल है और ये 8.5 लाख का मेरे को ऑन रोड पड़ा है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि ये बेस वेरिएंट है, और भी वेरिएंट है इस गाड़ी के, VXi ZXi, तो आपका बेस वेरिएंट का ही क्यों प्लान बना? क्योंकि सर, इस बेस मॉडल के अंदर ही सारी कुछ हमें जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी हो रही है, तो इस वजह से मैंने बेस मॉडल ही चूज किया। ओके, और यहाँ बात करें माइलेज की, आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से? सर, अभी तक तो मेरे को 15.5 की माइलेज मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट सेकंड सर्विस करवाई है इसकी, अभी कंप्लीट की है मैंने, करीब 5,000 किलोमीटर चलाई है इसको अभी। ओके, तो 15.5 की एवरेज मेरे को मिल रही है अभी। ओके जी, और बात करें जब आपने ये गाड़ी खरीदने लगे तो आपने और भी गाड़ियों के साथ कंपेरिजन किया होगा, जैसे की नेक्सोन है, वेन्यू है, XUV300, फोर्ड इको स्पोर्ट और सोनेट आ रही है, तो आपने इनसे भी कंपैरिजन किया होगा, तो आपका यही गाड़ी खरीदने का क्यों प्लान बना? सर, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले भी मारुति की ही गाड़ी खरीद रखी थी, वेगनार, तो मारुति की गाड़ियों का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि भी इसका पार्ट्स हैं हर जगह हमें मिल जाता है, इस वजह से हमने प्रेफरेंस मारुति को ही दी, तो जिसकी वजह से मैंने और भी कंपेरिजन किया, जैसे महिंद्रा की थी वहां भी देखे, XUV का भी देखे आए थे, ठीक है, तो वो देखे तो उसके कंपैरिजन में हमें ये ज्यादा प्रेफरेंस लगी, फिर उसके पार्ट्स के भी बारे में पता किया, तो वो सारा की सारी कह रहे हैं कि भाई यहीं आके सर्विस करवानी पड़ती है कंपनी के अंदर भी, इससे संबंधित पार्ट्स भी आपको कंपनी के अंदर ही, यानी एजेंसी के अंदर ही मिलेगी, बाहर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मारुति का ये बेनिफिट हुआ कि हमें बाहर भी हर जगह मिल सकता है पार्ट्स, सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं वो हमें बाहर भी आसानी से मिल जाते हैं। ओके, कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर है मारुति सुजुकी का कि सर्विस जो इनके सर्विस सेंटर्स है वो बहुत ज्यादा है, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी बाहर से हो जाती है और सर्विस भी बाहर से हो जाती है। ओके, और यहाँ बात करें डिजाइन की, तो आपको इस सेगमेंट में, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेजा, XUV, इन सब गाड़ियों में डिजाइन किसका अच्छा लगा? ये ब्रेजा का ही लगा सर, पहला फर्स्ट लुक ही हमें देखते ही ये पसंद आ गई थी गाड़ी, हर कंपेरिजन किया तो मेरे को बेस्ट, जो दी बेस्ट है, ब्रेजा ही लगी। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस गाड़ी का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा इन गाड़ियों में से, आप हमें कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफी हेल्प मिलेगी जो लोग इन गाड़ियों के डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो सर, अब ये बताइए कि बात करते हैं हम सस्पेंशन की, आपको इस गाड़ी में कभी ऐसा लगा कि झटके जो है वो ज्यादा लगते हैं, खड्डे ज्यादा महसूस होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगते खड्डे कोई कहीं भी, मेरे को बड़ा इजी मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, तो हम जैसे कहें आवाज का ही नहीं पता चलता, अंदर बैठे होते हैं तो कई बार स्टार्ट होती है तो भी पता नहीं चलता भी गाड़ी स्टार्ट है क्या, तो मतलब इंजन नॉइस अंदर बिल्कुल जीरो है? बिल्कुल जीरो है जी, जीरो। ओके, और बात करें हम हाई स्पीड की, आपने 100+ कभी गाड़ी चलाई होगी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि बाहर से हवा की नॉइस ज्यादा है या रोड नॉइस ज्यादा है या गाड़ी जम के नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, अभी मैं पीछे इशार गया था, तो इशार पे मैंने इशार गया जब ऑन रोड 100+ भी चलाई थी, तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। और यहाँ हम बात करें विजिबिलिटी की, आपको कभी ऐसा लगा कि जो आगे वाले पिलर है टर्न करते हुए पूरे अच्छे से आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, या मोड़ने में कहीं अच्छे से आपको व्यू अच्छे से दिख नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं, क्लियर नजर आ रहे हैं, सब कुछ साफ नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ मेरे। ओके, और यहाँ पे हम बात करें ड्राइविंग की, तो कभी ऐसा लगा कि गियर वगैरह जो है वो लैग, गियर लैग्स आ रहे हैं, या उतनी स्मूथ गाड़ी नहीं चल रही, गियर उतने स्मूथ नहीं लग रहे? नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, मतलब हर चीज इसके, मतलब हम कहें कि भाई जो पहले गाड़ी चलाई उसके कंपैरिजन में इस गाड़ी का हर वे से, मतलब गियर की बात करें तो गियर भी बहुत अच्छे से स्मूथली लग रहे हैं, स्टेयरिंग है, इसके जो भी पार्ट हमें यूज कर रहे हैं, क्लच ब्रेक है, तो सारे बढ़िया एकदम अच्छे। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव करी है कि आपको जो सीटिंग कंफर्ट है आपको थकान हो रही है लॉन्ग ड्राइव पे, ऐसा कभी लगा? नहीं सर, अभी तक तो लगा नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ ना इस आगे जाके तो बहुत बढ़िया आराम से, कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि महसूस हुआ कि थकान हो रही है इसके अंदर।
तो सर अब ये बताइए कि आपको एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छा है एसी इसका, इतना अच्छा है कि भी मैं एक या दो नंबर पे ही रख के चलाता हूँ। पूरी कूलिंग बहुत मतलब है एसी, अच्छा है कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, और यहाँ बात करें स्पेस की, तो आपको कभी स्पेस की कमी लगी? नो सर, स्पेस वाइज भी बहुत अच्छी है गाड़ी। अंदर अंदर से अगर हम कहें पांच से, पीछे भी तीन आराम से बैठ सकते हैं, दो आगे से, और इसके अगर बैक की बात करें, डिग्गी की बात करें, तो वो डिग्गी भी बहुत अच्छी खुली स्पेस है उसके अंदर। और कभी आपने पूरी फैमिली के साथ या पांच लोग गाड़ी में ट्रेवल किया होगा, तो कभी ऐसा लगा कि पिकअप जो है ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पिकअप उतनी अच्छी नहीं है, पावर उतनी अच्छी नहीं मिल रही? नो सर, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। तो पॉजिटिव की बात करें तो आपको गाड़ी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सर पॉजिटिव यही है कि भी बेस मॉडल के अंदर ये सारी जो हमें चाहिए वो चीज इसके अंदर कंप्लीट हो रही है, तो हर वे से मेरे को अच्छी लगी सर। ये सारे फीचर्स मिल, सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं सर। ओके, और कमियों की बात करें तो कोई कमी लगी गाड़ी में? नो सर, कोई अभी तक मेरे सामने कोई कमी नजर नहीं है, नहीं है इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ओके, और आपने ये गाड़ी कहाँ से खरीदी? सिरसा से? सिरसा से करी है सर। डीलिंग? डीलिंग अच्छी लगी, भरत जी थे उनके साथ अच्छी डीलिंग रही उनके साथ। ओके, तो यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा में, हरियाणा से या सिरसा से, तो आप मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट डील और डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा मोटर टॉर्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे थ्रू गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था ब्रेजा का एक एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू, और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी खरीदने में आपकी हेल्प कर सके और आपकी हर डिमांड को पूरा करे। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे लिए ये तीन काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू। सो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंद।